मेरा गाय बच्चा दी है गाय। कुछ ऐसा नजारा है इधर का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोज शर्मा ब्लॉग्स। दिस इज मनोज शर्मा गाइस। और दोस्तों देखिए आज का मौसम कैसा है हमारे यहाँ। पूरा क्लोडी क्लोडी है भाई, देखिए सूर्योदय हो चुका है। लेकिन ये देखिए चारों तरफ, देखिए आज का मौसम कैसा है, ये देखो। और देखिए गाइस, मेरी गाय ना बच्चा दे दी, मेरी गाय बच्चा दी है, देखो। ओ ओ ले ले, इधर आ, शुक्रवार को ले ले, शुक्री ले, ये देखिए, ये देखिए मेरा गाय बच्चा दी है गाय, ये देखिए कैसे फुदक रही है। अरे 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 अरे, हम बोल रहे थे ना कि गाय बच्चा देने वाली है, तो देखिए बच्चा दी। सोनू बाबू की मम्मी देखिए इधर साफ सफाई कर रही है। देखो जा 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 उधर जा। और गाय, ये जो हमारा गाय है बिल्कुल देसी गाय, बिल्कुल देसी गाय, जो कृष्णा भगवान चराते थे वो ऐसा ही देसी गाय चराते थे। ये नहीं कि आज जो क्रॉस कराया हुआ होता है या दोगला जिसको कहते हैं, वो जो बड़ी सी नस्ल का गाय होता है वो गाय नहीं, ये गाय, ये ऐसा बछड़ा और ऐसा ऐसी गाय। शुक्रवार को हुआ है गाय, इसीलिए शुक्री शुक्री बोलते हैं इसको। शुक्री शुक्री, अरे शुक्री शुक्री। और ये देखिए जीवा चप्पल पहन लो, उठ गई है जीवा। हाँ बेटा, दिखा दे अपना घाव। और क्या हो गया बेटा? और गाइस देखिए ये ना गलसुआ हो गया है, इसको गलसुआ कहते हैं हमारे यहाँ, तो इसको साट दिए हैं। और गाइस ये देखिए सोनू बाबू है, तो सोनू बाबू इधर आ, अरे उधर मत जाओ। और देखिए सोनू बाबू, ए बाबू बाबू इधर देखो, सोनू बाबू बाबू रे, अरे उधर देखो, उधर जान, हिया के पकड़ो, हिया के, हिया के। हम भी चप्पल पहन लिए। ठीक ठीक, हाँ जीवा भी पहन लिए चप्पल, है ना बेटा? अरे मैं नहीं पहनूं। अरे मुनि तुम भी पहनो बेटा। नहीं मिलेगा वहाँ, उस घर में मिलेगा, जा उस रूम में जा। सोनू बाबू कहाँ जा रहा है रे? किसको? और देखिए कहाँ जा रहा है सोनू बाबू। और इधर देखिए मानसी, मानसी अरे रे, पड़ 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 खेलते हैं बहुत गाइस, ये सब खेलते रहते हैं बच्चे से। हाँ बेटा इधर आओ, देखिए बच्चों कैसे खेलते हैं गाय के बच्चे से। छोड़ दो बेटा, मारना नहीं बेटा, सब बच्चे इसी के पीछे लगे रहते हैं। तो देखिए ये मछली ले आए हैं, 2 किलो मछली है। ये मर गया मछली ना, लो बेटा लो। ये देखिए लाइट गई हुई है, अभी लाइट नहीं है, ना उधर है ना इधर है। तो गाइस देखिए मछली लाए थे, मछली बन के हो गए रेडी, बना रहे हैं, देखिए और बन भी रहा है, बहुत मस्त बना है, खा लो, अच्छा लग रहा है, ले रहे सुनी बाबू, अरे खाने में बहुत अच्छा लगता है गाइस, ये देखिए बिल्कुल सूखा बना है ये, है ना। और गाइस देखिए ये मौसम हमारे यहाँ बारिश हो गया, गाइस मैं कहीं और जाने वाला था आज मैं, लेकिन मौसम देखिए चेंज होने के कारण, मौसम देख रहे बिल्कुल बारिश पड़ रहा है गाइस, ये देखो ये। ये देखो बारिश हो रहा है। तो गाइस मैं दिल्ली जाने वाला था, लेकिन बारिश होने के कारण मैं दिल्ली जा नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा आज, कल निकलूँगा गाइस कल। ये देखो तो इतनी तगड़ी बारिश हो रही है जी ऐसे। पीछे गाइस अभी रेलवे, अभी कोडरमा रेलवे स्टेशन हूँ, और यहाँ से जाऊँगा। ये देखिए भाई उधर आएगी ट्रेन, टिकट विकेट ले लिए हम गाइस, टिकट लेने के बाद अब जाएंगे, जाएंगे कल ही जाने वाले थे, लेकिन कल बारिश होने लग गया, बारिश की वजह से रुक गया,
और आज मुझे ना जनरल टिकट पे जाना पड़ रहा है, जनरल टिकट कटवाए और जनरल टिकट कटवा करके ही जाऊँगा। कुछ ऐसा नज़ारा है इधर का, बचपन में हम पहले इस सस्ते सुविधा में स्टडी करते थे ना, तो बहुत घूमा करते थे भैया। ये देखिए जा रहे, थोड़ा उधर जा करके देखते हैं कुछ लेना, पानी बोतल वगैरह ले लेंगे आराम से। गाइस अभी हमें जाना पड़ेगा वहाँ कि उधर जाएंगे प्लेटफार्म पे, उधर से निकलेंगे उधर जाएंगे। तो कहाँ से है रास्ता, आगे से है। यही है भाई, यही रास्ता, यहीं से निकलेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा गाइस। सीधा निकलना पड़ेगा उधर, तो अभी उधर बैठेंगे जाके। जा रहे हैं सीधा प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पे हैं अभी, जा करके वहीं बैठेंगे जहाँ पे गाड़ी आएगी। गाड़ी देखिए उधर भाई, जनरल ने मैं टिकट बुक करवाया था लेकिन कल बारिश होने के कारण मैं कैंसिल करवा दिया, तो आज जा रहे हैं जनरल टिकट में जाना पड़ रहा है भाई। क्या करें, जनरल टिकट वाले के लिए बिल्कुल आगे है, तो आगे जा रहे हैं, चलते हैं फिर फटाफट आगे हैं। ये देखिए इधर माल गाड़ी जा रही है, माल तो कोयले वाला होता ना, जैसे झारखंड से कोयला ज़्यादा जाता है गाड़ी, तो वही कोयले वाली गाड़ी है, कोयला जा रहा है इसमें। देखिए गाइस इधर ही आएगी गाड़ी, जनरल वाला, जनरल में जाना पड़ रहा तो जनरल वाला इधर ही आएगी। अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि 12 बजे 12:30 बजे गाड़ी आती है, तो अभी थोड़ा घूमना है, अभी बज रहा है 11, 1.5 घंटा इधर ही घूमना है, तो देखते हैं, वेट करते हैं 1.5 घंटा। और देखिए आज तो मौसम भी साफ है, बिल्कुल खुला हुआ धूप है, ये देख लो गाइस, बिल्कुल धूप है, खुला है। कल तो बारिश हो गया था पूरा, इस वजह से जाने में थोड़ा दिक्कत, जाने में भी दिक्कत, वो बारिश ही निकलते समय बारिश होने लगी गाइस, छोड़ दिया फिर टिकट कैंसिल करा दिया। और आज देखिए मौसम साफ है कितना, अगर ऐसा होता तो कल ही निकल गए होते। आज मौसम साफ है तो इसलिए आज जर्नी करना पड़ रहा है, वो भी टिकट नहीं तो जनरल में करना पड़ रहा है। जनरल वाला इधर ही आते हैं, कोच जो है जनरल कोच वो इधर ही लगता है, इधर ही रहना है, बाकी इधर घूम घाम के रहना है, घूम घाम के कुछ दूर। देख सकते हैं कितना भीड़ है ये हमारे सिटी, और भी भीड़ बढ़ जाएगी अभी 1 घंटा टाइम है। और देखिए इधर कलकत्ता जाने वाले बच्चे, ट्रेन है जलावन खड़गमा रेलवे स्टेशन, ये कलकत्ता जाने वाली है गाइस, मेरी ट्रेन इधर से आएगी। रेलवे स्टेशन है कलकत्ता जाने के लिए, उधर वाले जितने भी थे ना कलकत्ता जाने वाले सब, ये नहीं रोकेगी क्या, उधर वाले सब जितने भी सवारी हैं बैठ जाएंगे। गाड़ी है भाई, और तो देखिए उधर चली गई, इधर अभी तक नहीं लंबा। खाली हो गया, बस एक दो बच्चे दो चार, इतना भीड़ था सारा ही खाली हो गया।
चलिए रुक गई गाइस इसमें, चलिए बैठते हैं। जनरल बोगी का ये देखिए हाल, ये देखिए गाइस हाल कितना भीड़ है भैया। और ऐसे में मैं भी हूँ, देखिए इधर सीट खाली होगा, इधर बैठेंगे भाई। भैया हो बड़ी देर के बाद सीट मिला है बैठने के लिए, ये देखिए बहुत मुस्कान आया है ना भाई। नहीं भैया ये देखो इधर देखो भैया भीड़। गाइस देखिए गाजियाबाद स्टेशन पर उतर गए हैं अभी हम, और अब यहाँ से जाना पड़ेगा मेरठ थोड़ा बस से। अभी 6 बजा है और गाजियाबाद स्टेशन उतर गए हैं, यहाँ से जाएंगे मेरठ बस पकड़ना है। 6 बज गया जी, और गांव के अकॉर्डिंग इधर बहुत ठंडा भाई, टोपी लगा लिए हैं, देख रहे हैं बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा है भाई इधर ठंड। गाइस अभी इधर से बाहर निकल रहे हैं और फिर बस स्टैंड जाएंगे बस पकड़ने के लिए। तो गाइस अब मैं फाइनली कंपनी पहुंच चुका हूं और नहा धोवा के फ्रेश हो गया हूं, और ये देखिए इधर का ग्रीनरी। गाइस बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं कहां हूं, मुझे लगता है बिल्कुल मैं गांव में हूं, देख रहे हैं बस गांव जैसा एहसास है इधर, अच्छा लगता है। खाली ये लगता है कि बच्चे नहीं है ना पास में तो ये लगता है कि यार दूर हूँ, लेकिन वैसे एरिया के हिसाब से अगर देखूं तो फिर अच्छा लगता है, मन लगता है, ये नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, दूर हूँ या गांव में हूँ, ऐसा गांव जैसा ही फील होता है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।